हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज ना अभी हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, मतलब कल हम गए थे शॉपिंग करने, लेकिन बहुत सारी शॉप्स बंद थी, तो फिर कल थोड़ी सी शॉपिंग हो पाई, फिर बाकी का हम अभी आज लेने जाने वाले हैं। एंड उसके बाद घर पे जाकर मुझे ड्रेसिंग टेबल पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करना है। तो मिलती हूँ मैं आपको जहाँ पर हम फर्स्ट शॉप में जाएंगे, वहाँ पर। ये देखिए, वैसे थोड़ी थोड़ी ज्यादा बारिश भी स्टार्ट हो गई है। हम निकले थे ना तब वैसे एकदम बारिश ऐसा था, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई थी। ये ऑर्गेनाइजर्स की वैरायटीज ना यहाँ पे काफी है, हाइट में भी छोटा है एंड विथ में भी छोटा है। कुछ ऐसे है थोड़े विथ में ज्यादा है, एंड ये वाला तो मतलब बहुत मस्त है, एकदम ऐसे हाइटेड। यहाँ पर इस तरह से कोम वगैरह कुछ आ सकता है, या फिर हम ब्रशेस भी रख सकते हैं। वाओ, वैसे कैसा चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। और वैसे हाइट में बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए ऐसा वाला, बट थोड़ा सा विथ वाला चाहिए, एंड एकदम ऐसे ज़्यादा स्टेप्स वाला भी नहीं चाहिए। ये कैसा? ये अच्छा है। यहाँ पर सारे इसमें नेल पेंट्स आ सकती है ना? हाँ, नेल पेंट्स के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ नेल पेंट्स तो मेरे पास ऐसी है जिसकी विथ इसमें नहीं आ पाएगी, मतलब तो ये राउंड वाली नहीं आएगी इसमें। हाँ, तो कुछ और देखते हैं। ये वाला कैसा है? ये लुक में तो अच्छा है। ओके, तो इसका एक हम पैक पीस ले लेते हैं, तो वो ये है। फिर ना ऐसे कुछ मेकअप ब्रशेस है, मेकअप ब्रशेस रखने के लिए है, एंड कुछ वैनिटीज़ है। ये छोटी छोटी भी है, कुछ ये ऐसी बड़ी बड़ी भी है। आई थिंक अभी वैनिटीज़ तो नहीं लेनी है, तो वो इसमें अभी हम ज़्यादा नहीं देखने वाले क्योंकि लेना नहीं है। आई थिंक इसमें ऐसा मल्टी कलर वाला मस्त लगेगा ना। हाँ, और ये वाला स्टैंड तो एकदम इतना जम्बो है ना। ये कैसा है, एम्प्टी वाला है इसका ड्रॉअर या? ओके, कुछ ऐसे ड्रॉअर्स है। मेरे पास जो मेकअप ब्रशेस है ना, वो एक्चुअली काफ़ी पुराने हो गए, तो इसीलिए मेकअप ब्रशेस यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो वो भी हमें देखना है। वैसे तो मेकअप ब्रशेस की रेगुलर ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी ज़रूरत होती है, लेकिन वो ना इतने पुराने हो गए कि उसमें ऐसे कॉस्मेटिक वगैरह की लाइक पाउडर या फिर ऐसे फाउंडेशन की स्मेल बैठ गई है, तो फिर हमने सोचा कि ऐसे न्यू ही ले लेते हैं। मेकओवर कर ही रहे ड्रेसिंग टेबल का, तो हमने ऐसा सोचा। वाह, ये मस्त है ना। ये ऐसा इसका ब्लैक कलर है, और ये पिंक कलर ऐसा वाइट में भी है एक पीछे। फिर यहाँ पर ये सब तो है वैसे कुछ स्टेशनरी के लिए ऑर्गेनाइजर्स, बट देखते हैं कुछ हमारे यूज़ में आ जाए वैसा है। हाँ, ये रोटेटिंग है, देखो। ओ वाह, मामा ये कैसा रहेगा? ये वाला ना ऊपर है वो। हाँ, मेरी भी नज़र अभी उसी पे पड़ी। अच्छा है, प्रॉपर मेकअप का नहीं अली मिल गया। इसमें मैंने सोच लिया हम क्या रखेंगे क्या रखेंगे, बट वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो सरप्राइज है। अच्छा, हाँ मतलब सही जाएगा? हाँ सही जाएगा, एकदम सही जाएगा। ओके, तो लेते हैं ये वाला लेते हैं। मतलब ये तुम बोल रहे हो बट एकदम प्रॉपर मेकअप ऑर्गेनाइजर नहीं है, तो एक बार सोचना या देखना नहीं है ना? नहीं, इसमें कुछ मस्त हम रखने वाले हैं, और मेकअप रिलेटेड नहीं कुछ और रखने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। आप भी स्टे ट्यून्ड। हाँ ओके, चलो तो ले लेते हैं। हाँ, तो फाइनली ना हमने ये सब कुछ लिया है, और फिर हम सब कुछ आराम से घर पे जाके देखते हैं, ऑर्गेनाइज भी तो करना है। चलिए, और हमारा एक्चुअली लंच भी बाकी है। हाँ, तो अभी हम आ गए हैं घर पर, और अभी हो गया लंच का टाइम। मतलब लंच का टाइम तो वैसे कब का हो गया है, तो ये देखिए लंच में आज क्या है। उड़द दाल, राइस, टोमेटोज एंड होममेड मस्त फ्रोजी फ्रोजी एंड ठंडी ठंडी बटर मिल्क। सो मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना लंच, और लंच के बाद मैं करने वाली हूँ डायरेक्टली ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज। तो वैसे जो सारा हम स्टफ लेके आए हैं बाहर से, और कुछ हमने कल भी लिया है, वो सारा भी करने वाली हूँ, एंड पूरा ड्रेसिंग टेबल का थोड़ा सा मेकओवर करने वाली हूँ, लाइक लुक थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। तो मैं आपको मिलती हूँ लंच के बाद। तो अभी हम करने वाले हैं, हाँ अभी हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट। ओके, ये तो मैं यहाँ पे कुछ बैठने के लिए लेके आई हूँ, एंड यहाँ पर से सब खाली हो गया है कि खाली अभी करना बाकी है? थोड़ा कुछ थोड़ा कुछ बाकी है। तो ओके, पहले खाली कर लेते हैं फिर क्लीनिंग कर लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने माइक्रोफाइबर, और उसमें क्लीनिंग करने लग गई। तो इस माइक्रोफाइबर से ड्रेसिंग टेबल को एकदम घिस घिस के क्लीन कर लेता है। फाइनली पूरा ड्रेसिंग टेबल खाली हो गया। हम ना एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से करना प्रेफर करते हैं कि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा चीजें आ जाए, लेकिन चीजें ढूंढना भी आसान होना चाहिए। अब इस साइड का क्लीन हो गया। वैसे ये हमने आज जो न्यू लिया ना वो है, एक्चुअली एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं आपको सारे न्यू थिंग्स जो हमने ली है वो दिखा देती हूँ, उसके बाद ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसके बाद फाइनल हम लुक देखते हैं कि कैसा लग रहा है फाइनली। ये तो आपने देख लिया है, ये हमने आज न्यू परचेस किया। ये एक्चुअली आप सोच रहे होंगे ये क्या है, और ये ड्रेसिंग टेबल का है। तो ये ना एक्चुअली है कप होल्डर,
इसमें बहुत क्यूट क्यूट कप्स हम रख सकते हैं किचन यूज़ के लिए, लेकिन इसे मैं कुछ और वे में यूज़ करने वाली हूँ, वो मैं आपको यूज़ करूँगी उसके बाद दिखाऊँगी। फ़िलहाल कुछ और थिंग्स देख लेते हैं। ये एक्चुअली है पेन होल्डर, लेकिन मैं इसमें स्टेशनरीज वगैरह तो रख लेने वाली हूँ, क्योंकि ये हमें यूज़ करना है ड्रेसिंग टेबल में। वैसे ये ना स्टेशनरी लाइक स्टडीज़ वाले यूज़ का है, एंड वो जो है वो कप वाले किचन वाले यूज़ का है, लेकिन उन दोनों को मैं ऐसे ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करने वाली हूँ कुछ अलग तरीके से, क्योंकि एक्चुअली ना मुझे जिस टाइप का चाहिए था वैसा हमें मिला नहीं। हमने बहुत सारे शॉप्स में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा आइडिया करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली गोल्डन टाइप का एंड कुछ इस तरह का चाहिए था, तो इसलिए। फिर नेक्स्ट वाला है ये, तो आपको क्या लगता है इसमें हम क्या क्या थिंग्स रख सकते हैं? वैसे ऑलरेडी मैंने तो कुछ इसके लिए प्लान करके रखा है। एंड नेक्स्ट ये है, और हाँ ये सारे मेकअप ब्रशेस है, ये तो मैंने आपको दिखाए थे ना उसमें, फिर हमने वाइट कलर के मेकअप ब्रशेस लिए। एंड लास्ट है ये, वैसे जनरली जो ऐसे स्टैंड आते हैं ना वो जस्ट ऐसे आते हैं, लेकिन ये साथ में लिड वाला आया है। ये सारी है हमारी कल की एंड आज की शॉपिंग। अब मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करके फिर आपको फाइनल लुक देती हूँ, क्योंकि मैं भी इस तरह से सोचूंगी थोड़ा सा मेकओवर करना है तो क्या चीज़ कहाँ पर रखनी है, फिर लगेगा ना ये यहाँ पर नहीं, थोड़ा इस तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करके उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बीच में मम्मा ने ना मुझे एप्पल जूस बना के दिया था। 2000 years later. तो फाइनली फ्रेंड्स ड्रेसिंग टेबल का पूरा मेकओवर हो गया है, कुछ लुक एकदम चेंज ही लग रहा है ना, और ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ कुछ ज्यादा ही चेंजेस मैंने किया है, लेकिन वो लाइक कंफर्टेबल रहे वैसे किया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ना सबसे पहले ये है नेकलेस ऑर्गेनाइजर, कितना मतलब प्रिटी है ना, पता ही नहीं चलता कि ये कप वाला ऑर्गेनाइजर में मैंने नेकलेसेस ऑर्गेनाइज किए हैं, और इसमें काफ़ी प्रिटी प्रिटी नेकलेसेस तो है ही, लेकिन यहाँ पर पीछे ब्रेसलेट्स भी है, फिर ब्रेसलेट्स और नेकलेस आए तो मैंने सोचा कि रिस्ट वॉच क्यों रह जाए। इसमें है मेरी सारे रिस्ट वॉचेस, और ये ओपन हो सके वैसा है कंटेनर, मतलब लाइक इसमें लीड भी है तो काफ़ी ऐसे सेफली रहेगी रिस्ट वॉचेस, एंड ट्रांसपेरेंट भी है तो काफ़ी मज़ा भी आएगा लुक में। तो मैंने आपको कहा था ना कि इन दोनों को मैं काफ़ी मस्त तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, तो इस तरीके से यूज़ किया है। अब आते हैं सेकंड वाला शेल्फ पर, तो ये है वैनिटी। क्या आप गेस कर सकते हैं इस वैनिटी में क्या हो सकता है? इसमें है सारे मेकअप प्रोडक्ट्स, और इसमें है सारे ब्रशेस, ब्लेंडर्स है, तो फिर इसमें है क्या, चलिए दिखाती हूँ। लेकिन आप इसमें क्या है वो देख के प्लीज़ हंसना मत। तो ये हो रही है वैनिटी ओपन, मेरे सारे इयररिंग्स एंड ईयर टॉप, यहाँ पे है सारे रिंग्स, काफ़ी प्रिटी प्रिटी रिंग्स है, और ये है सारे ईयर टॉप्स। एंड हाँ मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि ये वैसे रनिंग यूज़ वाले, एंड ये लाइक कभी कभी यूज़ वाले। तो देखा आपने मैंने इसमें क्या ऑर्गेनाइज किया है, सारे इयररिंग्स, ईयर टॉप्स और रिंग्स। पाते हैं थर्ड शेल्फ में, इसमें मैंने सारे मेकअप रखे हैं। वैसे तो ऐसे मेकअप रनिंग में मैं नहीं करती हूँ, बट जब करना होता है तो ये सारे वो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैं करती हूँ अप्लाई। एंड ये है सारे उसके ब्रशेस, और यहाँ पे कुछ प्रिटी प्रिटी स्पॉन्ज, चलिए एग्जैक्ट क्या क्या है वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये है प्रेस्ड पाउडर, फिर ये है आई शेडो पैलेट, फिर मॉइस्चराइजर, लिपस्टिक्स, लिप बाम, ये लिपस्टिक, एंड ये पाउडर भी है, और ये ना एक्चुअली 3-in-1 है। ये कुछ है आईलाइनर्स एंड काजल्स, तो बस ये सारी है मेकअप प्रोडक्ट्स, एंड साथ में ये है ब्रशेस। तो वाइट कलर्स है ना, मतलब एकदम मस्त लग रहे हैं ब्रशेस में वाइट कलर्स, और पुराने मेरे फेवरेट कलर में पिंक। फिर यहाँ पे है ये सारी नेल पेंट्स, ये सारी नेल पेंट्स ना मैंने सोचा बाहर रखते हैं, तो ये भी है स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर, लाइक ये एकदम मेकअप प्रोडक्ट्स ही ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर कुछ नेल पेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए तो है नहीं, ये वैसे है स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर, बट मैंने इस तरह से यूज़ किया है क्योंकि कुछ इस टाइप का चाहिए था। एंड वो नेल पेंट्स वाले बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर आते हैं ना, वो इस तरह से हाइट में भी फिट नहीं हो पा रहे थे, और उसमें ना विड्थ भी एकदम छोटी छोटी होती है, तो काफ़ी नेल पेंट्स ऐसी है ना जैसे कि ये वाली रेक्टेंगुलर नेल पेंट्स, तो वो फिर आ नहीं पाती है। तो लाइक पूरा ऑर्गेनाइजेशन ना इस तरह से कि जनरली जो लोग उसमें रखते हैं वो मैंने नहीं रखा है,
मुझे जिस तरह से कंफर्टेबल लगा उस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। एंड हाँ, और एक बात, पूरी थीम मैंने की है गोल्डन कलर की एंड साथ में थोड़ा सा व्हाइट भी ऐड किया है ताकि मस्त लगे। तो ये इसीलिए मैंने व्हाइट यहाँ पर एक छोटी सी मैट भी रख दी है। अब आते हैं ड्रॉर्स में या फिर यहाँ पे, आई थिंक यही पहले दिखा देती हूँ। दोनों वैरायटीज बाहर निकाल के ओपन करके देख लेते हैं। इसमें है सारी मेरी हेयर बैंड्स एंड येलो मेकअप वैनिटी में है दूसरी कुछ हेयर बैंड्स और ये यूनिकॉर्न वाला हेड बैंड। देन यहाँ पर है हेयर क्लिप्स एंड रबर बैंड्स। अब रबर बैंड्स तो यहाँ पर भी है बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप वाला है। तो इन दोनों में वैसे तो हेयर क्लिप्स ही है बट डिफरेंस ये है कि इसमें ना मैंने ऐसा रखा है कि जो पैर में हेयर क्लिप्स हो वो एंड इसमें जो वन वन पीस हो ना हेयर क्लिप में वो। इसमें है अलग अलग रबर बैंड्स बट इसमें ऐसे रबर बैंड्स है जो कुछ कैरेक्टर्स वाले हैं या फिर इस टाइप के हैं। अब ये जो शेल्फ है ना उसमें है रबर बैंड, इसमें है सारे एकदम ही बड़ी बड़ी साइज वाले रबर बैंड। तो यहाँ पर ये सारे जो मिनी रबर बैंड्स है ना उसमें इसमें एकदम लाइक नीचे प्लेन रबर बैंड्स है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वाले, फिर यहाँ पे डबल कलर्स वाले रबर बैंड्स है छोटे छोटे एंड ये है सारे शाइनी वाले, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मम्मा को अलग अलग हेयर स्टाइल्स करके देना बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स मम्मा मुझे बना के देते हैं। तो उसके लिए ना एकदम ऐसे वेराइटी ऑफ कलर्स वाले रबर बैंड्स चाहिए होते हैं, तो ये सब वही है। एंड ये मीडियम साइज वाले जो रबर बैंड्स है ना उसमें कुछ पैर वाले भी है, कुछ सिंगल कलर्स भी है इस तरह से। और मम्मा ना एक्चुअली जब फ्री नहीं होते तो ये दोनों बहुत यूज आते हैं हेयर क्लिप्स अपने आप से हेयर स्टाइल्स बनाने में। और ये सबसे नीचे वाला सेल्फ है तो उसमें यहाँ पर पीछे एकदम डेलिकेट हेयर बैंड्स है, फिर बेल्ट्स है और नेल आर्ट के टूल्स है, तो इसमें भी अलग कलर्स है एंड यहाँ पर भी कुछ और कलर्स। एंड ये जो डेलिकेट हेयर बैंड्स का पिटारा है ना उसमें कौन सी है, तो ये यूनिकॉर्न वाली है, फिर ऐसी कुछ है दोनों एंड ये मिनी माउस वाली। एकदम ये नीचे वाला शेल्फ है ना जिसमें मैंने रखे नेल आर्ट के अलग अलग टूल्स, स्पॉन्ज, ये वैसे काफ़ी मस्त लगता है ग्रेडियंट नेल आर्ट इसे हम करते हैं ना तो। एंड ये टेप्स है फॉर नेल आर्ट, काफ़ी मस्त होती है टेप से भी नेल आर्ट। एंड अगर टेप से हमें नहीं करनी होती है ना तो ये वाला टूल काफ़ी अच्छे से यूज आता है, सारे ब्रशेज एंड टूल। ये जो डमी नेल्स है ना वो वैसे हम इस तरह से निकाल के अपने नेल पर नहीं लगा सकते, वैसे है ये नेल्स, बट मुझे नेल आर्ट करना इतना पसंद है ना कि फिर क्लिप किए हुए नेल्स में या फिर ऑलरेडी मैंने कुछ नेल आर्ट की होती है ना तो फिर मैं उन नेल्स में लाइक अपने नेल्स में तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैं इस तरह से डमी नेल्स पर नेल आर्ट करती हूँ। एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी रहता है कि मेरे नेल पर मैंने ऑलरेडी नेल आर्ट कर लिया बट मुझे काफ़ी सारे डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं नेल आर्ट के, तो फिर मैं अपने नेल्स पर तो तब कर नहीं सकती हूँ क्योंकि वो नेल आर्ट अभी निकली भी नहीं होती, काफ़ी मस्त होती है, तो वो भी मैं इस तरह से ना डमी नेल्स पर करके रखती हूँ क्योंकि फिर करना हो तब इजीली मैं वहाँ से देख के फिर कर सकूँ। और बस यहाँ पर कुछ और ऐसे नेल्स हैं जिन पर मैंने अभी तक नेल आर्ट नहीं किया है। अब ये सारे ड्रॉर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे फर्स्ट ड्रॉर में है सारे स्क्रंचीज, ये है ये रनिंग यूज वाले कॉम्ब्स एंड इसमें है पाउच, आई मीन पाउच में मैं कुछ भी लाइक रख सकती हूँ, जैसे कि आज की कुछ एसेसरीज हो या फिर हेयर एसेसरीज हो तो वो मैं इसमें रख सकती हूँ, बाद में मैं कर लेती हूँ ऑर्गेनाइज। काफ़ी सारा तामझाम है लेकिन ये सारा रनिंग यूज़ वाला नहीं है, ये थोड़ा स्टोरेज टाइप वाला तामझाम है, बट वो मैंने ड्रेसिंग टेबल में इस तरह से रखा है जैसे मैं पहले रखती थी। फिर इन तीनों पाउचेस में क्या है वो दिखाती हूँ। तो इसमें ना सबसे पहले वो सारे कॉम्ब्स है जो कलर चैलेंजेस में हमने परचेज किए थे, तो फिर वो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा में रख दिए तो जब यूज़ करना हो ना तो इजीली अवेलेबल हो। फिर यहाँ पे है मेकअप के पफ्स, आई मीन सॉरी हेयर पफ के लिए पफ्स है। और ये देखिए यहाँ पर सारे की सारे एक्स्ट्रा पिंस है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पिंस ना कुछ इस टाइप की है कि इसमें से बहुत सारी टाइट पिंस भी है, बट कभी एक्स्ट्रा ऐसे यूज़ करनी हो तो लाइक अवेलेबल हो तो ये सारी वैसी पिंस है। तो हमने ये सारे मेकओवर की थिंग्स लेने गए थे मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून हो गई और मैंने आफ्टरनून को ही स्टार्ट कर दिया था मेकओवर करना, लेकिन फिर देखते ही देखते इवनिंग हो गई ऑलमोस्ट नाइट हो गई कि मम्मा डिनर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं भी इतनी थक गई हूँ ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, लाइक ऑलमोस्ट नाइट हो गई ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई पता नहीं। तो अभी इस ब्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं,
मैं फिर फ्रेशन अप होके फिर जाऊंगी डिनर करने, फिर बस सो जाऊंगी। आज तो बहुत थक गई हूँ मेकओवर करके, लेकिन इतना मज़ा आया मेकओवर करने में और काफ़ी मतलब एकदम ही लुक चेंज हो गया ना ड्रेसिंग टेबल का। तो इस ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो कैसे लगा आपको ड्रेसिंग टेबल का न्यू लुक मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलता है कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे हाँ, कल कुछ स्पेशल आने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। स्पेशल मतलब एकदम धमाकेदार आने वाला है कल। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं कल। बाय बाय।